हम लोग को युवा जो केवल मोहब्बत से कर रहे हैं पीछा। पढ़ने वढ़ने जाते हो कि नहीं? नहीं नहीं जाते। स्कूली योगी जी ने बंद कर दिया। जो योगी जी ने किया है 70 साल में किसी ने नहीं किया। योगी जी ने जो किया है कि गरीब जनता को राशन दिया। समाजवादी पार्टी में नहीं राशन मिलता था क्या बताइए? समाज को अखिलेश आ रहे हैं, बाबा जी गोरखपुर जा रहे हैं। बाबा जी गोरखपुर चले भी गए। जी जी टिकट पर राशन नहीं से सब कुछ हो जाएगा, आप ही बताओ। उनको बताइए बाबा। अब हमारा देख रहे हो कंडीशन का हो तुम। मेरे तीरो ठाड़ हुई समती हो कि गंद। जी पर प्रचार करने निकले थे चंपतपुर। जी जी कहाँ जा रहे थे? अपने गांव जा रहे चौबेपुर बिला चंपतपुर गांव। कितना किलोमीटर है? 4-5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर। जी जी रोज चलाते हो साइकिल? जी एक ही गांव जाते हो अलग अलग गांव? अलग अलग गांव में। कल गए थे हम लोग तिलोकपुर सुजानपुर और उधर बाली अलीपुर। अच्छा जी तो कौन बोल रहे तुम कैसे प्रचार करने के लिए? बोले कोई नहीं, हम लोग हम लोग को युवा जो केवल मोहब्बत से कर रहे हैं पीछा। हाँ अखिलेश भैया से है? जी उम्र क्या है तुम्हारी? उम्र लगभग होगी 18-20 साल की है? जी 18 के 20। दोनों के बीच में 2 साल का अंतर है। जी जी तो 18 के 20। जी 18। सही बताओ 18। लग नहीं रहा तुम 18 साल के। जी आप कितने साल के मुझको समझ नहीं। आधार कार्ड दिखाओ। आधार कार्ड डाल के नहीं चलते। तुम कितने साल के? मैं 19 साल का हूँ। सही में देख के तो तुम लोग छोटे लग रहे हो। छोटे लग रहे हैं देख के, मगर 19 साल के हैं। तो ये तुम लोग ऐसे इतना मेहनत करते हो, पैसा वैसा मिलता है कुछ? पैसा नहीं, हम लोग की हम लोग अखिलेश भैया से मोहब्बत है और युवा जोश है। ये अखिलेश भैया को बनाना चाहते हैं। अखिलेश भैया आ जाएंगे तो क्या कर देंगे तुम लोग को? ये साइकिल से दिला देंगे मोटरसाइकिल क्या? अखिलेश भैया विकास करेंगे। अखिलेश भैया मुझको और सरकारी आई और कुछ भी तो नहीं दिलाएंगे। योगी क्या दिलाएंगे? योगी खाली गल्ला राशन बांट रहे हैं, लेकिन अखिलेश भैया विकास करेंगे सबके लिए। परेशान बहुत किसान, परेशान है तमाम काम तो किसान परेशान। उनको पैसा तो मिल रहा है 6,000 रुपए। पैसा मिल रहा है खेती से परेशान, पैसा क्या किसान ज्यादा परेशान है और हम लोग भी परेशान। बेरोजगार ही है। योगी जी ने कुछ काम ही नहीं किया, खाली अखिलेश इतना काम ही करा गए थे। कौन सा काम अखिलेश ने किया था? तमाम का अखिलेश, खाली योगी जी फीता काट रहे हैं अखिलेश के काम पर। आगरा एक्सप्रेस बना अखिलेश ने बनवाया, मेट्रो ये पास कराई कानपुर, और भी काम करवाए काफी, बहुत से काफी काम करवाए, एम्बुलेंस और नंबर चलाए। ये किसका प्रचार कर रहे हो तुम? ये अखिलेश का। अखिलेश अपने विधायक का नहीं कर रहे जो यहाँ से? रचना जी, ये रचना सिंह का जी, ये अब तुम्हारे विधायक हैं। जी जी। और ये तुम सपा का प्रचार कर रहे हो? जी जी। तो विधायक जी शाम को देंगे कुछ कि नहीं? अरे देंगे तो ठीक, नहीं देंगे तो मोहब्बत है केवल, बात मोहब्बत से जिताना हमें तो नहीं। हमें लोग को अखिलेश भैया को जिताना है। 2022-10 मार्च को अखिलेश भैया को लाना है। तो अपने गाँव में क्या कहते हो? अपने गाँव में लोगों को जाके क्या कहते हैं? अखिलेश साइकिल आप लोग कहते नहीं देंगे तो हम लोग कैसे कहते? अब हम लोग कहते 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, 500 राशन, पेंशन दुगनी करेंगे। हाँ। और भी काम करेंगे। हाँ, याद कर लियो क्या? जी 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 हाँ? जी बताओ लाइन से क्या क्या है? याद नहीं मैंने किया, लेकिन उसमें 5 काम लिखे हैं। हाँ, समाजवादी पेंशन। हाँ। राशन। हाँ। और देख के थोड़ी बताना। अरे मैंने समाजवादी पेंशन राशन और 300 यूनिट बिजली और सिंचाई बिजली माफ। बस अच्छा तुम क्या याद किए? हम तो चाहते हैं समाजवादी सरकार बदले। इसमें क्या लिखा है ये बताओ? जिसमें मैंने पढ़ा नहीं है अभी कुछ। बिना पढ़े प्रचार कर रहे हो? नहीं अभी अभी अभी, अभी हमने लोगों ने लिया आज सब घर से, अभी आए हैं ताजे तो अभी लिए। पहले दिन ऐसे घूम रहे से नहीं, पहले नहीं इससे पहले कर चुके हैं हम लोग, केवल कागज नहीं लेके गए थे। लोग कागज फेंक देते हैं। 2-3 दिन हो गए। 2-3 दिन? 2-3 दिन हो गए। अच्छा जी इनको देखा है चाचा कभी? इनको देखा है कभी? देखा ही नहीं आज इस गांव में। अच्छा प्रचार नहीं कर रहे इसका मतलब? इस गांव में आज ही आए हम लोग, और उस गांव में उधर गांव गए थे ब्लॉक में। अच्छा। इस इधर गांव में आज ही आए हम लोग। हाँ। जी तो गाना वाने का प्रचार नहीं करते? गाना हम लोग नहीं गाते, हम लोग गायकार नहीं, हम लोग बस अखिलेश भैया को जिताना। तो अखिलेश के लिए गाना चलता है, वो क्यों नहीं गाते तुम लोग? जी गाना नहीं गाते, प्रचार करते हम लोग। गाँव में लोगों को बूढ़ी दादी उदी चाचा वाचा जो रहते हैं उनको कैसे समझाते? यही समझाते समाजवादी लाइए, बेरोजगार खत्म करिए, विकास बढ़ेगा। जी अब लेकिन
बिना पैसे काम कौन करता है? जी बिना पैसे करते हैं हम लोग, अखिलेश भैया से पक्के समाजवादी हैं हम लोग। सुन रहे हैं चाचा क्या कह रहे हैं? समाजवादी है, समाजवादी है, कह रहे हैं हम इतने छोटे छोटे हैं और ये अपनी उम्र 19 बता रहे हैं, वो अपनी 18 बता रहे हैं। अच्छा किस मोहल्ले में? अच्छा क्या नाम है? हाँ ये क्या लिए हो? हम लोग इससे बजाते गाना। ये तो नया जुगाड़ है, ब्लूटूथ है क्या ये? हाँ जी इसकी बैटरी लोग ही तो बजाते हैं। तो यही बजा के चलाते हो? जी जी। अच्छा पर्चा उठाओ। सही है यार, लो करो काम करो यार, अब मैं क्या बोलूं। पढ़ने वढ़ने जाते हो कि नहीं? नहीं नहीं जाते। स्कूली योगी जी ने बंद कर दिया। मूंगफली बेचना चाहिए इनको, मूंगफली ठेलिया लगाते हैं और क्या, क्यों जी? स्कूल योगी जी ने बंद कर दिए हैं तो ये स्कूल क्या पढ़ने जाएंगे? स्कूल तो योगी जी बंद करवा दिए। योगी क्यों स्कूल बंद करा देंगे भाई? किसी ने कोरोना कालों से बच्चे स्कूल नहीं गए। अच्छा कोरोना चल रहा है तो शॉपिंग मॉलों में क्यों नहीं कोरोना चल रहा है ये बताइए आप? शॉपिंग मॉलों में इतनी भीड़ हो रही है, उसमें कोरोना नहीं चल रहा है? स्कूल जाते थे इससे पहले? जी इससे पहले हम अभी पढ़ाई बंद कर दी है, पढ़ाई बंद कर दी है। कितने तक पढ़े उसके बाद? हाई स्कूल से। और तुम? सेवन। उसके बाद नहीं गए? नहीं नहीं। ये कोरोना की वजह से नहीं गए या फिर इससे? बंद कर दी पढ़ाई कोरोना काल के चक्कर में। पढ़ाई बंद कर दी है? अरे थोड़ा मजबूरियां थी, बंद कर दी। पढ़ोगे तभी तो नौकरी दिलाएंगे तुम्हारे अखिलेश भैया, जब नहीं पढ़ोगे तो कैसे दिलाएंगे? अरे नौकरी जरूरी नहीं, नौकरी चाहिए नौकरी। पढ़े लिखे इतने घूम रहे हैं आज तक बेरोजगार, इतनी योगी सरकार ने किसी को नौकरी दिलाई? नौकरी नहीं मिलती लोगों? पढ़े लिखे तो घूम रहे हैं तो क्या हम लोग के क्या है? पढ़ोगे तो नौकरी मिलेगी जी, पढ़ेंगे तो कैसे मिलेगी? अपना करे आज भी नहीं, अभी नौकरी मिल रही है बताइए। तो इसलिए तुम लोग पढ़े नहीं? नहीं अब हम पढ़े तो है अपने बिजनेस के लिए पढ़े है। क्या बिजनेस करोगे? हैं कोई भी बिजनेस कर सकते हैं? जैसे कि कुछ भी, जैसे काम बिल्डिंग का करते हैं। अच्छा तुमको क्या कहा गया अगर अखिलेश सरकार बन जाएगी तो तुम लोगों को क्या मिलेगा, ऐसा क्या बताएंगे? कुछ नहीं पता हम लोग, आगे तुमको नेता मंत्री बनवा देंगे। हमें लोग को पद की कोई जरूरत ही नहीं, हम लोग का विकास हो यूपी का, सबका आजाद सबका विकास होना चाहिए बस, सबका सबका विकास। जी कौन बोला था ये नारा? ये हम लोग नारा लगा रहे हैं ना, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमें लोग को विकास चाहिए उत्तर प्रदेश का। ये कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, ये तो भाजपा का नारा, भाजपा का नारा तो है, सपा वाले लगा रहे हैं। लेकिन आप ये पूछ रहे हैं आपको क्या दिया जाए, तो मैंने सपा का नारा लगा रहे हैं और सब भाजपा वाले सपा का फीता काट रहे हैं, हैं ऐसा भी होगा क्या? तुम लोग को कौन ये सब सारी चीजें बताता है? ये हम लोग केंद्र, हम लोग को खुद पता क्या काम किया अखिलेश भैया ने, हम लोग को सब पता है। 5 साल हो गए कुछ काम ही नहीं हुआ तो हम लोग को सब पता अखिलेश भैया क्या करा गए। अच्छा जी ये देखिए नौनिहाल है, ये छोटे छोटे बच्चे हैं और ऐसे क्योंकि सपा का पहचान भी चिन्ह भी है साइकिल, तो ऐसे साइकिल पे जो है एक भाई साहब चलाते हैं, दूसरे भाई साहब इस पे खड़े हो जाते हैं और नारा लगाते हुए सपा का प्रचार कर रहे हैं क्योंकि यूपी में चुनाव है और माहौल पूरा बन चुका है, तो ये छोटे छोटे बच्चे भी पूरा योगदान दे रहे हैं। हैं दे रहे हो ना? जी पर स्कूल जाओ यार स्कूल अभी जाएंगे थोड़े दिन से, कोरोना काल खत्म है। जी 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 स्कूल के पढ़े, ये ना बोलो नौकरी नहीं लग रही, ये नहीं लग रही, वो नहीं लग रही, पढ़ोगे तभी ना मिलेगी। जी 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 तभी ना, मगर लोग तो आज भी बीएससी करें, बहुत से लोग तो नौकरी के खातिर मर रहे हैं, बहुत से लोग नौकरी भी कर रहे हैं, नौकरी भी बहुत से लोग कर रहे हैं, ये ना बोलो नौकरी मिल भी नहीं रही, नौकरी कर रहे हैं बहुत से लोग। सबसे अच्छा है शिक्षा, शिक्षा का जब पढ़ोगे नहीं तो जो दुकान खोलोगे तो हिसाब कैसे करोगे, ऐसे समझो, जब पढ़ोगे नहीं तो हिसाब कैसे करोगे? सबसे महत्व है कि शिक्षा पढ़ना तो जरूरी है ना। जी मैं तो भारतीय जनता पार्टी का समर्पित सिपाही हूँ। अच्छा समर्पित है? और आज से नहीं, जब से मैंने अपना जो है, इन बच्चों को बताइए, नहीं अब ये नहीं, अब ये बच्चे चूंकि वैसा है कि तुष्टीकरण की राजनीति जो है, नहीं वो छोड़िए बस ये काम बता दीजिए कि किया क्या इन बच्चों को। काम तो जो योगी जी ने किया है 70 साल में किसी ने नहीं किया। बता रहे हैं वो, उन्होंने एक्सप्रेसवे की बात कर दी, उन्होंने तमाम चीजों की बात की, तो आप काम बता दीजिए ना ताकि बच्चे जान पाए भाई, इन बच्चों को नहीं पता है। मान लीजिए बात कर रहे हैं, आज जो कोरोना काल में माननीय योगी जी ने जो किया है कि गरीब जनता को राशन दिया और कि उनके बच्चे भूखों न मरे, तो राशन
समाजवादी पार्टी में नहीं राशन मिलता था क्या बताइए आप? पाँच साल समाजवादी पार्टी में राशन मिला कि नहीं? देखो एक मिनट, यहाँ कोई बहस का मुद्दा नहीं है, तो बहुत छोटे हो। हम पूछ रहे हैं, ऐसा है कि देखो जो ये तो सब जनता जान रही है और जनता कर रही है हमारे, लेकिन आप समर्पित सिपाही हैं तो थोड़ा तो बता दीजिए कि आखिर साढ़े चार पाँच साल में क्या हुआ, इन बच्चों को बता देंगे भाई इनको जो शिक्षा की बात इन्होंने कही कि शिक्षा में जितना योगी जी ने योगदान किया है कोरोना काल में, ऑनलाइन पढ़ाई का व्यवस्था, गरीब जनता को ऑनलाइन के सबके पास व्यवस्था नहीं है, नहीं 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 अब एक अपने पैसों से लीज है आदमी ने, सबके पास फोन नहीं हो पा सकता है, नहीं हो सकता है, नहीं ऐसा है, ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है? कोरोना काल में बच्चों को जीवन, बच्चों का जीवन भी सब मतलब जो है उनको भी देखना है कि बच्चे स्वस्थ रहें। स्कूल बंद होने से बच्चों का भविष्य बिगड़ गया, क्योंकि स्कूल बंद हुए, ऑनलाइन सबके पास व्यवस्था नहीं है, क्यों बच्चा जो छोटा है उसके लिए छोटे स्कूल जब वहाँ जा नहीं स्कूल से जो सरकारी स्कूल थे उसको सरकारी स्कूल कहाँ बंद हो गए? बंद हो गए तो अब ये क्या कह रहे हैं, दो साल से बंद है, आप कह रहे हैं नहीं भाई बंद तो हो गए, लेकिन बंद होने का मतलब ये है कि जान जोखिम में किन बच्चों को डाल दी जाए भाई। ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था गवर्नमेंट कर रही है व्यवस्था सब, और योगी जी ने पूरा भरपूर सहयोग किया कि बच्चे पढ़ें, आज भी पढ़ने गाँव तक ऑनलाइन सुविधा पहुँच गई, नहीं नहीं गाँव तक कोशिश तो यही उन्होंने की है और पूरी अब नहीं पहुंच पाई या ना पहुंच पाई या जो भी है, लेकिन व्यवस्था में योगी जी की कोई कमी नहीं। अच्छा चलिए, ऑनलाइन पढ़ाई हो गई, राशन हो गया और बताइए, और भाई और तमाम विकास हुआ भाई, सड़कें बन रही हैं, मतलब एक्सप्रेस वे सड़कें तो हर सरकार में बनती आई हैं। अखिलेश यादव की अगर इतनी जल्दी बनवा दे सड़क, आगरा एक्सप्रेस 22 महीने में बनवा दिया है अखिलेश यादव। जय 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 बोल के चले गए। हाँ नहीं क्या अब और क्या बोले, यहाँ कोई ये कल के लौंडे हमारे सामने क्या बात करेंगे, हमें कोई ज्यादा बेटिया देखो नहीं पढ़ाई का जो सबके पास आप समर्पित सिपाही हैं भाई, अब इन बच्चों को नहीं बता देखो एक मिनट, मैं राजनीति कट्टर समाजवादी, हम लोग भी तो छोटे हो यार, छोटे तो क्या हुआ अभी समाजवादी में जुड़े हैं तो कट्टरी है, वोटर तो है, वोटर है लेकिन छोटे कट्टर हो, समाजवादी जाओ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, सब लोग वोट करो 20 तारीख को जो है, और 10 तारीख को जो है 10 मार्च फरवरी और 10 मार्च और 10 मार्च की इंतजार करो बस, ज्यादा जनता से क्या कहूँ। 10 मार्च को समाजवादी की पार्टी आएगी, आपको दस मार्च को अखिलेश आ रहे हैं, बाबा जी गोरखपुर जा रहे हैं, बाबा जी गोरखपुर चले जी जी टिकट पहले चले जाएंगे, ये श्री मंडप पार्टी लान मेरी है, और मैं सुनो आप जिसको वोट कर रहे हो खूब करो, कोई किसी को मना नहीं कर रहा है, हमने अपने बताया कि हम बीजेपी के समर्पित सिपाही हैं, भारतीय जनता पार्टी को वोट करूंगा और कोशिश करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा प्रत्याशी है वो जीत के आवे। चलिए भैया हम में सबसे ज्यादा तो रचना सिंह ने मेहनत की है, ये कल कल के लोगों को टिकट मिल जाएगी तो इनको क्या चुनाव जिता दिया जाएगा? कौन है इनको सपा से टिकट मिला है? रचना रचना गौतम जी जी जी, तो तुम लोग कह रहे वो उन्होंने कोरोना काल में बहुत मेहनत की है, कोरोना काल में बता देंगे कि जो भाजपा को जिनको टिकट मिला है उन्होंने, अरे वो तो कल से आए हैं, वो तो कानपुर में रहते हैं, वो तो उन्होंने बिल्लौर विधानसभा में बहुत काम किया है और चौहापुर में भी पिपरी रोड पास कराई है, रचना सिंह ने धरना प्रदर्शन देखे, हाँ काफी काम किया उन्होंने। तुम लोग को कैसे पता? अरे हमको लोगों को मालूम है सब, ये छोटे छोटे बच्चे इन लोगों को राजनीति को ज्यादा ही अच्छे से पता है जी, क्या मैं बोलूँगा समझ ही नहीं पा रही हूँ, मैं इनको बोलूँगी कि स्कूल जाइए तो कहेंगे 2 साल से बंद है, लेकिन छोड़ दी ये गलत, स्कूल छोड़ दिया है गलत नहीं किया, मुझे कुछ आगे मजबूरी आ गई थी तभी मैंने ढील दिया। अच्छा घर की जिम्मेदारी? हाँ घर की। और तुम्हारे घर भी जिम्मेदारी आ गई थी? जी मैं पढ़ता हूँ, कोरोना काल के मारे नहीं जाता। सही बताओ जी, चलेंगे तुम्हारे घर अभी? जी मजाक नहीं कर रही जी जी, चल बहुत खाली टाइम लेके निकले हम लोग अपने चुनावी चक्का ले, कोई काम धाम नहीं है, हमारे शांति नगर चलिए वहाँ पर आपको लिए चलते, आप वहाँ भी पूछिए जनता से किसको आप वोट देना चाहेंगे, शांति नगर। अरे यार सपा गिर गई तुम्हारी साइकिल, साइकिल गिरी है लेकिन सपा नहीं। क्या आप लोगों की आमदनी दुगनी हुई कि नहीं? सरकार कह रही गरीब लोग खुश हैं, सब लोग सब जने खुश हैं क्योंकि हाँ। आप यही काम करते हैं और मालिक हाँ। जी एकदम क्या उन्होंने बताया था, समर्पित सिपाही हाँ। तो नहीं डर रहे हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं, हम लग रहा है नहीं डर, हम नहीं क्यों भैया
सब बढ़िया अच्छा हो ही रहो जो ही रहो अच्छा अच्छा काम बताओ बाबा काम का सबका राशन दे रही गवर्नमेंट जो है सबसे बढ़िया है और काम कर रही भाई जो है यार ये तेल जो है इतना महंगा हो गया छोंक नहीं लग पा रहा है सब्जी बात सही है तेल तो सरकार जब पैदा काम बेटा जब कम हो गया तब तो जो है आमदनी कितनी है बाबा एक दिन में कितना कमाते हैं आप हम कहा आप कुछ बिटिया करे ना ही पाओ बूढ़ा आदमी है बताओ हम क्या कर जो पेंशन मिलता मिलता है हाँ पेंशन मिलता झूठ नहीं कहेंगे जो 2000 रुपए भी मिलता है हाँ 2000 रुपए भी मिलता है पक्का ये बात जो झूठ नहीं सत्य है तो फिर घर बैठिए फिर कहाँ मेहनत मजदूरी घर आई घर आई क्या घर बन रहे हो नया घर बनवा रहे हैं आज तो आप ही का हो रहा है आप मजदूरी कर रहे हैं हम तो लेबर अंधेरे रहे बहन जी हम कहा बताओ हम तो हमें लेबर ही कहूना ही लगी रही है इस समय काम करिए इनका घर बन रहा है तो इनके किन करे थे काम तो काम करे अब आज काम है बंद है तो बताओ जब काम ना है तो काम मजदूरी दे दे आए कितना कितना है एक दिन का मजदूरी आपका हमारा 300 रुपया है 300 हाँ 200 तो तेल ही चला जाएगा बच्चा जो न बताओ कैसे गुजारा हुआ भैया तुम वही बताओ इस सरकार में सबसे ज्यादा महंगाई है अब चाचा तब क्या सोच रहे हैं आप एक तरफ सरकार कह रही है कि आप लोगों को राशन दिया जा रहा है आप लोगों को 2000 रुपए किसानों को दिया जा रहा है राशन ही से सब कुछ हो जाएगा आप ही बताओ उनको बताइए अब देख रहे हो कंडीशन का तुम हमें तीरों ठाड़ हुई समझती हो कि गंध आ रहे हैं पुराना मानना बहन जी के लिए आप तो सरकारी डिफेंड हो तुम है तो 50,000 हम नहीं है सरकारी बाबा हम नहीं एकदम नहीं है हम जनता के आदमी मरे जा रहे हैं कामों जनता के पास सेवा चाहिए बात पूछना है जनता की बाबा हम एकदम सरकारी आदमी नहीं है हमको सरकार से लेना देना नहीं चाहे सपा आ जाए बसपा आ जाए या बीजेपी करना, वो करने करना है हम तो जानने आए किसको देंगे वो सही बात है खुल के बता दीजिए बस ताकि हम चले जाए यो भाई का विधान आदमी अपने टाइम से तो बता देगा तो ये तो बता सकती है कि सरकार की सरकार की योजना पहुंच पा रही है कि नहीं और पहुंच पा रही है पहुंच जा रही है हाँ कहूँ पहुंचती है कहूँ नहीं पहुंचती है कहीं विकास होता कहीं नहीं होता जो जिसको हो पाए आपकी विधानसभा में हमारी तो विधानसभा में ना ही वही पाव है न हमारी पंचायत में वही पाव है न बिल्कुल टूटी पड़ी है हमारे यहाँ तो बसपा सरकार में तभी हुआ था काम बसपा हाँ तब किसको देंगे आप तो हम तो भैया हाथिक देवे उसमें कहने वाली बात का है अभी तो आप कह रहे थे नहीं बताएंगे अब बता नहीं 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 हमने तो नहीं कहा कि नहीं बताएंगे भाई हम तो वही देंगे हमने बसपा की पहले चलाई भाई वो का उसका का नाम आर्थिक मदद योजना वाली वो चलाई अखिलेश आए तो उसको समाजवादी कर दी और इसके बाद योगी आए तो उसको बंद कर दिया अब भैया वो वो समय लो का किसान निधि योजना वाला वो समझ लो मगर चलाए भाई तू नहीं की स्कीम है ना किनकी मायावती हाँ ये तो चली है पहले आर्थिक मदद योजना वाले से चालू हुई थी मायावती ने पत्थर हाथी बहुत बनवाए ये भी सप्ताह में नहीं आ पा रही नगलों में चले जाइए हाथी हाथी दिखाई देंगे कह रहे हैं मायावती जी जीते जी अपना लखनऊ पार्क बनवा दी जी जी अच्छा ये बताइए कोई आदमी बैठने उठने वाला है सही स्थल पार्क बना है तो उसमें क्या दिक्कत का तुम नहीं जाते हो कि हम नहीं जाते सभी लोग घूमने की जगह ऐसा तो ये तो है नहीं कि सब एक ही आदमी जाए वहाँ तो सभी लोग जा सकते हैं बिल्लौर तो बिल्लौर की विधानसभा में हम जा रहे थे हमें दो छोटे बच्चे दिखे जो साइकिल से प्रचार कर रहे थे हालांकि यहाँ किसी पार्टी का प्रचार नहीं है लेकिन बच्चों के हौसले को देखा तो सोचा भाई साइकिल से निकल कर प्रचार कर रहे हैं अब जब इनसे बात किया तो फिर थोड़ी निराशा हुई स्कूल वस्कूल छोड़ दिए हैं बच्चे ये नहीं करना चाहिए पढ़ना चाहिए आज सरकार मान लो बीजेपी की है मान लो कल सपा की आती फिर किसी और की आ जाएगी तुम्हारा भविष्य तो खराब हो जाएगा ना भाई भविष्य तो खराब होगा मगर इतना तो पढ़ लिया थोड़ा काम का भाई पार्टी किसी के घर में रोटी नहीं चलाती है समझ जाओ ये तो बात सही है आपकी पार्टी किसी के घर में रोटी नहीं 4000-6000 रुपए देगी जैसे अभी मोदी जी की योजना है किसानों को 6000 रुपए देते हैं वो जो मजदूर लोग हैं उनको राशन मिलता है लेकिन जब तुम पढ़ोगे तो तुम कमाओगे तो अपने परिवार का खर्चा चलाओगे ना जी मैं तो बैटरी का काम करता हूँ तो मुझे उसी से कमाता हूँ अभी से रोजगार है तुम्हारा जी मैं काम करता हूँ बैटरी का अच्छा तो छोड़ के ऐसे प्रचार में निकल अब प्रचार कर रहे हैं इस समय सरकार बदलना चाहिए इस समय बैटरी भी महंगे हो गए सरकार में जीएसटी से जो 12000 का बैटरा मिलता था वो आज 14500 का मिल रहा है इस सरकार में इतनी महंगाई है
देखिए मैं आपके ऊपर ये छोड़ रही हूँ इन बच्चों के भविष्य को, आप कमेंट में कर मुझे ये बताइएगा कि इन बच्चों के हौसले को सलाम करना है या इनको समझा बुझा कर रास्ते पर लाना है, ये बताना है कि भाई पढ़ लिख लो, आगे भविष्य जो है वो राजनीतिक पार्टियों के इर्द गिर्द नहीं चलेगी, अपनी ज़िंदगी अपने हाथ से चलेगी, जब आप पढ़ेंगे लिखेंगे कमाएंगे तब आपकी ज़िंदगी बेहतर बनेगी। नमस्कार, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच, किसी और विधानसभा में मुलाकात करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से, हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।